गुरु नानक देव हॉस्पिटल में मेडिकल अधीक्षक के द्वारा एक व्यक्ति को थप्पड़ जड़ने के मामले में अब सरकार की जांच में एक सच सामने आया है, जिसमें कि हॉस्पिटल के अधीक्षक को इस मामले में पंजाब सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। इस संबंधी 5 विधायकों ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कि ये जांच की गई कि जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया था वह कोई मरीज का परिजन नहीं बल्कि हॉस्पिटल में एक निजी हॉस्पिटल का करिंदा था, जो कि मरीजों को बहला फुसलाकर सरकारी हॉस्पिटल से निजी हॉस्पिटल ले जाता था। इस मामले में उस दिन भी ऐसा ही हुआ जब हॉस्पिटल अधीक्षक के पास बहुत से मरीज आए हुए थे, तब ये मरीजों को बहला फुसला रहा था तथा उनको निजी हॉस्पिटल में लेकर जा रहा था, जिसमें कि अधीक्षक ने इस मामले में उसको थप्पड़ जड़ दिया, वहीं उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया था। कार्रवाई ओदे ते कादी करनी आ, एक बन्ने दे एड्डा वड्डी भयानक घटना वापरी, पेशेंट ये उत्थों बाहरों शिफ्ट कराए, इत्थे सारे डाक्टरां दी टीम लगी, सुपरिंटेंडेंट साहब लगे सी, कोई बंदा बाहरों आ के कोई गलत गल करे, कोई विच दलाली करे, कोई इत्थों वेखो चंगा भला इलाज हो रहा, कोई आवे लोगों को गुमराह करे भी इत्थों पेशेंट जिहड़े ने शिफ्ट करके उत्थे प्राइवेट हस्पतालों च लै जाओ, ये भी गल ठीक नहीं। जां ते इत्थे इलाज ना होवे, फ्री इलाज चल रहा, पर ये जो मैनूं पता लगा, जो मैनूं पता लगा डॉक्टर समान ने दसिया, लोगों ने दसिया, पेशेंट जिहड़े उन्होंने दसिया कि वह कोई टॉप टाइप बंदा सीगा जिहड़ा गुमराह करता सी, आओ मैं प्राइवेट हस्पतालों च लै जाना तो उत्थे तुहाडा इलाज करवाउणा। फिर डॉक्टरों नूं थोड़ा बहुत हुंदा ही आ कि एक बन्ने भाई दौड़ पई आ, रात सारे डॉक्टर रात भी लगे रहे, दिन भी आ, वेखो हुण भी ऐतवार है, सारे डॉक्टर समान इत्थे ने, एक बन्ने तो कम कर रहे, दूजे बन्ने डॉक्टरों को आ के इन्नी गल कहे तो चंगा भी नहीं लगता। सो जे किसी ने कोई योजी हैपनिंग हुई आ माड़ी मोटी, कई बार कम्मा च हो जाता, सब कुछ हो जाता, कई चीज़ा होंदिया जान बुझ के कीतिया जाने, कई चीज़ा होंदिया ने जड़िया वैसे गुस्से ना हो जाए कई बार। सो इन गलों के माइनर जी गलों ने, मैं इनू कोई वड्डी गल नहीं समझता। सो मैं डॉक्टर समान जिहड़े इत्थे लगे ने, सुप्रिंटेंडेंट साहब लगे ने, प्रिंसीपल लगे ने, सारे लगे ने, जो असी वेख्या सारे MP साहब ने, MLA ने, जो असी वेख्या प्रोपर इलाज जिहड़ा इत्थों ट्रीटमेंट हो रही है, क्योंकि CM साहब के आदेश ने 31 मरीज वध आए सी, रश हो गया, पेशेंट्स दी एमरजेंसी उस दिन खाली कराई गई, तो जिहड़े पेशेंट्स है सी ट्रालियां दे उत्ते हैगे सी, उन्हां दे नाल पब्लिक भी बड़ी सी, उन्हां दे रिश्तेदार भैन भरा, तो सानू मुश्किल आ रही सी कि उन्हां नूं असीं किस तरह अलग अलग वार्डां च किस तरह उन्हां नूं फस्ट एड दे के अगे भेजना है। तो इन्ने च यह बंदा जिहड़ा है, इहदे ते मेरी नज़र पई है, और सारी नाम दा पेशेंट इत्थे दाखल हैगा, उहदे बेटे नूं कह रहा सी कि उहदियां हत्थ भी बाहवां भी ते भी सट्टां, लत्तां ते भी सट्टां हैगियां, प्लस्तर लगा, कि तुसीं कित्थे आ गए हो इस हस्पताल दे विच, मर जाओगे, तुहानूं मैं वधिया किसे हस्पताल च लै जाणा। सो इह सुण के मैं मतलब कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकिया, और इंस्टेंटेनसली मेरे कोलों इह रिएक्शन जिहड़ा हो गया। इह बंदा जिहड़ा पेशेंट्स नूं कह रहा वरगला रहा सी कि दूजे हस्पताल च लै जाओ, तो जां इहदे अग्गे भी मेरे कोल जिहड़े इन्नियां शिकायतां आईयां सी कि लोकां दे मोबाइल चुक ले, जां किसी दी जेब चों पैसे कढ ले, जां किसी दी पर्ची फड़ी भज के दवाई लैण दी किसी सेंटर दे वलों, प्राइवेट वास्ते काम करदा सी। सो इस करके उस वक्त कार्रवाई मैं उस वक्त फड़ाता सी उहनूं अपने सिक्योरिटी गार्ड नूं, क्योंकि वह साडा मेन एम सी कि पेशेंट्स नूं सैटल किया जाए, तो असीं पेशेंट नहीं सैटल लगे रहे, रादर दैन कि असीं उस बंदे नूं फड़ के तो वो गल करिए कोई जो फड़ा दी अगे। मैं सरकार का धन्यवादी हाँ कि उन्होंने मेरा इस औखे टाइम पर साथ दिता। मैं